बात करेंगे। दिल्ली वासियों के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर फिर से बढ़ा है। कई इलाकों में यमुना का पानी भर चुका है। मयूर विहार आईटीओ के आसपास पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ की कुल 17 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। सेना और नेवी की टीम ने भी मोर्चा संभाल रखा है। दिल्ली के 6 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 18 जुलाई तक स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली में स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है। पिछले 2 दिनों से जहां राहत की खबर मिल रही थी, पानी घट रहा था, तो वहीं अब परेशान वाली खबर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। यमुना का जल स्तर बढ़कर 205.70 मीटर तक पहुंच चुका है। फिलहाल यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। उत्तराखंड में कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल के सोलन में ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। सैलाब में फंसे एक शख्स को भी बचाया गया। एनडीआरएफ की 17 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा है, जिससे कई और क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। टीम लगातार रेस्क्यू के लिए जुटी हुई है और कई टीमें लगातार लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली में बाढ़ से बुरा हाल है। यमुना उफान पर है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों तक पानी पहुंच गया है। आलम यह है कि दिल्ली डूबी सी लगने लगी है। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इन 10 तस्वीरों में देखिए कि बारिश से किस कदर स्थिति खराब हो चली है। तो दिल्ली में यमुना का पानी एक बार फिर से बढ़ने लगा है। नवी मुंबई में लोग सैलाब में फंसे नजर आए। मथुरा पर नजर डाले तो यहां पर भी यमुना उफान पर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब है और बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। और मध्य प्रदेश के भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वंदे भारत ट्रेन के C-14 कोच में आग लग गई। बीना से पहले कुरवाई में यह हादसा हुआ। कोच में आग बताया जा रहा है कि बैटरी की वजह से लगी है। हालांकि आशंका है, अभी औपचारिक तौर पर यह पता नहीं चल सका है कि आखिर ये आग कैसे लगी है। रानी कमलापति स्टेशन से ये ट्रेन रवाना हुई थी। हजरत निजामुद्दीन के लिए ये ट्रेन रवाना हुई थी, वंदे भारत ट्रेन, जिसके C-14 कोच में आग लग गई। वंदे भारत ट्रेन के कोच में जैसे ही आग लगी, यात्रियों में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर ये आग कैसे लगी। हालांकि प्राथमिक जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि बैटरी की वजह से इस कोच में आग लगी है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीना से पहले कुरवाई में ये हादसा हो गया, जब ट्रेन में आग लग गई। तो वंदे भारत ये ट्रेन जो निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई थी और बीच रास्ते में हादसे का शिकार हो गई।